hello everyone welcome to for nurses preparation youtube channel i'm neeraj kumar kathal today is 11 january 2022 and today's important nursing mcqs are first question which of the following classes of medication मैक्सिमाइजेस कार्डियक परफॉर्मेंस इन क्लाइंट विथ वेथ रेट फेलियर बाय इंक्रीजिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपको इन चारों में से उस मेडिसिन को सेलेक्ट करना है जो कि किसी पेशेंट के हर्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बेहतर करके पावरफुल बनाकर उसके हर्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है ऑप्शन ए बीटा एडविनर्जेक्स ऑप्शन बी डायूरेटिक्स ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन डी आइनोट्रॉपिक एजेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज आइनोट्रॉपिक एजेंट आइनोट्रॉपिक एजेंट्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं एजेंट दैट मैक्सिमाइजेस द कार्डियक परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ cardiac मसल्स लाइक like contraction known as inotropic एजेंट एंड इट्स example is digoxin inotropic एजेंट ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हर्ट के कॉन्ट्रैक्शन को पावरफुल बनाकर कार्डिक परफॉर्मेंस को बेहतर कर देती हैं याद रखिएगा आइनोट्रॉपिक एजेंट्स कभी भी हार्ट रेट को नहीं बढ़ाते हैं सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ाते हैं और इनका एग्जाम्पल है डिगोक्सिन क्वेश्चन नंबर टू लिम्फेटिक फ्लूड एस्पायरेटेड फ्रॉम प्लूरल स्पेस कॉल्ड हमारे लंग्स और लंग्स के चारों तरफ पाए जाने वाली चेस्ट वॉल के बीच में जो फ्लूड पाया जाता है उसमें अगर लिम्फेटिक फ्लूड मौजूद हो जाए और इसे हम एस्पायरेट करके बाहर निकालें तो ये क्या कहलाएगा ऑप्शन ए न्यूमोथोरेक्स ऑप्शन बी काइलोथॉरेक्स ऑप्शन सी हीमोथरेक्स ऑप्शन डी प्लूराइसी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज काइलोथरैक्स कुछ टिपिकल टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है अगर मान लीजिए हमारे लंग्स और चेस्ट वाल के बीच में एबनॉर्मली एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ये कंडीशन न्यूमोथोरेक्स कहलाती है इसी स्पेस में यदि ब्लड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए एबनॉर्मल तरीके से ब्लड इकट्ठा हो जाए तो ये कंडीशन हीमोथॉरिक्स कहलाती है और अगर इसी जगह पर एबनॉर्मली वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये कंडीशन हाइड्रोथोरेक्स कहलाती है इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस स्पेस में यदि लिम्फेटिक फ्लूइड आकर इकट्ठा हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी तो आप इसे काइलोथोरेक्स के नाम से जानेंगे काइलो काइलोप्रिफेक्स जो है वो लिम्फेटिक फ्लूइड को डिनोट करता है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नर्स मेन प्रायोरिटी इन असेसमेंट वाइल केयरिंग फॉर द क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसी क्लाइंट में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है इस क्लाइंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा ऑप्शन ए आईयूडी ऑप्शन बी हेमरेज ऑप्शन सी एक्लैम्शिया ऑप्शन डी सब इन्वोल्यूशन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बाद हेमरेज है या नहीं इस चीज का असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट में प्रायोरिटी रखेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर क्वेश्चन नंबर फोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर थ्री ईयर्स ओल्ड चाइल्ड with डायग्नोसिस ऑफ nephrosis. एक तीन साल का बच्चा नाइफ्रोसिस नेफ्रोसिस डिजीज से सफल है इसमें कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे जरूरी है ऑप्शन ए एनकरेजिंग फ्लूइड्स, रेगुलेटिंग द डाइट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मेंटेनिंग बेड रेस्ट द राइट आंसर एज ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन नेफ्रोसिस डिजीज के कारण बच्चे में इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस हो जाती है इस वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन का प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी करेक्ट बेल्स पैलसी इज ड्यू टू इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व बेल्स पैलसी किस क्रेनियल नर्व की इंजरी के कारण होता है ट्राइजेमिनल फेशियल ट्रॉक्लियर हाइपोग्लॉसल द राइट आंसर एज ऑप्शन बी फेशियल नर्व में इंजरी के कारण बेल्सपेलसी डिजीज होता है फेशियल नर्व को हम सेवेंथ क्रेनियल नर्व के नाम से भी जानते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स I don't care attitude of a student demonstrate his or her. एक लड़का एक बच्चा जो कि कहता है कि मुझे परवाह नहीं उसका ये एटीट्यूड किस से डिनोट करता है अग्रेशन को डिफेंस को डिनाइल को रिग्रेशन को बेसिकली यहाँ पर ये चारों ही डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप हैं मुझे परवाह नहीं ऐसा करके ऐसा कह के इस स्टूडेंट के द्वारा कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जा रही है द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज डिनाइल वो सिचुएशन को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ए डी एच डी इज अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर आल्सो नोन एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को हम और किस नाम से जानते हैं ऑप्शन ए हाइपर काइनेटिक ऑप्शन बी हाइपो काइनेटिक ऑप्शन सी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ऑप्शन डी हाइपोएक्टिव डिसऑर्डर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एडीएचडी से सफरिंग बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है यानी ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ पाते कुछ ना कुछ करते रहते हैं दौड़ भाग करते रहते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा एक्टिवनेस देखी जाती है सो इट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्वेश्चन नंबर एट अ बॉय हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स एंड अ गर्ल एज एटीन ईयर्स एंडल्स इन अ एंटी सोशल एक्टिविटी दिस इज़ नोन एज एक लड़का जिसकी उम्र सोलह साल से कम है या एक लड़की जिसकी उम्र अठारह साल से कम है और ये दोनों ही किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में एन, पाए गए हैं एनगल्फ पाए गए हैं तो इसे आप क्या कहेंगे ऑप्शन ए अनसोशल चाइल्ड ऑप्शन बी चाइल्ड एब्यूज ऑप्शन सी कॉन्क्रीगेंट ग्रुप ऑप्शन डी जुवेनाइल डी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जो माइनर्स होते हैं अठारह साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो इसे हम जूवेनाइल डी लिक्वेंसी के नाम से जानते हैं ऑप्शन डी करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन वेंट्रिकुलर शंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज आपको बताना है वेंट्रिकुलर शंट या जिसे आप शॉर्ट में वीटी शंट के नाम से जानते हैं इसका इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है ऑप्शन ए हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन बी कार्डियो मिगैली ऑप्शन सी प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन डी एसाइटिस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीएसएफ का लेवल ब्रेन में एबनॉर्मल रूप से बढ़ने लगता है चाहे वो एक्सेसिव प्रोडक्शन के कारण हो या फिर सी एस एफ का बाहर ड्रेनेज ना हो पाना हो इस एक्सेसिव सी एस एफ को पेशेंट के ब्रेन एरिया से स्कल एरिया से बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब लगा दी जाती है एक शंट लगा दी जाती है इसे ही हम वेंट्रिकुलर शंट के नाम से जानते हैं ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम अ क्लाइंट हैज जस्ट बीन टोल्ड बाय द फिजिशियन दैट हिज ट्यूमर इज मैलिग्नेंट एंड हैज़ मेटास्टेसिस टू सेवरल ऑर्गन्स किसी पेशेंट को आप बताते हैं कि उसे एक ट्यूमर है उसे कैंसर है और ये जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट टाइप का है और ये उसके शरीर में कई ऑर्गन्स तक फैल चुका है ऐसा कहने के बाद इस पेशेंट द्वारा आपसे क्या रेस्पॉन्स दिया जाएगा ऑप्शन ए क्राइंग अनकंट्रोलेबली जो पेशेंट है वो बहुत ही रोने लगेगा ऑप्शन बी क्रिटिसाइजिंग मेडिकल केयर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को क्रिटिसाइज करेगा ऑप्शन सी रिफ्यूजिंग टू विजिट विजिटर्स वो अपने मिलने जुलने वालों को मिलने से मना कर देगा या फिर ऑप्शन डी आस्किंग फॉर एडिशनल मेडिकल कंसल्टेशन वो और दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछेगा अपने इस डायग्नोसिस को कंफर्म करवाने के लिए पूछेगा तो इन चारों में से कौन सा रेस्पॉन्स क्लाइंट के द्वारा देखा जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसे कैंसर है और उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इस पेशेंट के द्वारा यहाँ पर दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा पेशेंट को ये बिलीव नहीं होगा पेशेंट अभी डिनाइल स्टेट में होगा वो कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता ये गलत है मुझे और दूसरे मेडिकल टेस्ट करवाने हैं बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ से मेरा इलाज करवाना है बेसिकली वो यहाँ पर ग्रीफ रिएक्शन को शो कर रहा है जिसमें फर्स्ट स्टेप डिनाइल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट्स एंड डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट प्रायोरिटीज़ ड्यूरिंग एमरजेंसी इज नोन एज एमरजेंसी के दौरान किसी भी पेशेंट में प्रायोरिटी का निर्धारण करना कौन सा सिस्टम कहलाता है ऑप्शन ए कॉलेज ऑप्शन बी लावास ऑप्शन सी लेबलिंग ऑप्शन डी ट्राइज इस क्वेश्चन को और बेहतर समझिएगा अगर किसी जगह पर मास लेवल में कैजुअलिटीज आ रही हैं तो जिन पेशेंट को इलाज की पहले ज़रूरत है उन्हें पहले इलाज देना और जो ठीक हैं उन्हें कुछ देर बाद इलाज देना इस प्रकार का क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है ये आपको बताना है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज कॉल्ड ट्राइएज इसे हम ट्राइएज के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपको बताना है नेफ्रॉन साइटोप्लाज्म प्रोटॉन या फिर न्यूरॉन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानी जाती है जबकि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में सेल को जाना जाता है न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स विच सर्व्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विदाउट ऑप्शन मैक्सिमम फ्लूड टेकन आउट बाय द पैरासेंटेसिस प्रोसीजर एट वंस किसी क्लाइंट में आप पेरासेंटेसिस प्रोसीजर के द्वारा एक बार में कितना फ्लूड विदड्रॉ कर सकते हैं यह आपको बताना है पैरासेंटेसिस बेसिकली एसाइटिस के पेशेंट में ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पेशेंट के एब्डोमेन एरिया में एब्डो एब्नोमली फ्लूइड एक्चुमलेटेड रहता है। गिव योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड फाइनली चेक योर स्कोर्स हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड करेक्ट। द राइट आंसर इज टू लीटर्स। याद रखिएगा एक बार में आप पेरासेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान दो लीटर तक फ्लूड को निकाल सकते हैं इससे ज्यादा आप फ्लूड विड्रॉ नहीं करेंगे आइए पैरासेंटास से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करें निडिल इज इंसर्टेड एट द मिड लाइन द अम्बलिकस एंड द सिंफाइसिस प्यूबिस और वी कैन से वन इंच बिलो द अम्बलिकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है हमारा जो अम्बलिकस है नाभि वाला एरिया है और हमारी जो सिंफेसिस प्यूबिस बोन है पेल्विस की इन दोनों के बीच में हम पेरासेंटेसिस करने के दौरान निडल को इंसर्ट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अम्बलिकल एरिया से एक इंच नीचे निडल को पेरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए इंसर्ट किया जा सकता है फॉवलर और सेमी फॉबलर पोजिशन गिवन ड्यूरिंग द पैरासेंटासिस हम फॉलर या सेमी फॉबुलर पोजीशन में पेशेंट को मेंटेन करते हैं इस प्रोसीजर के लिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एज पेरिटोनाइटिस इम्पॉर्टेंट पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के बाद सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस पेरिटोनाइटिस का मतलब है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को चारों तरफ से कवर करने वाली पेरोटोनियल लेयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना जब हम निडिल द्वारा पंचर करते हैं तो उस दौरान यदि पेर, पेरिटोनियम लेयर पंचर होती है और वहाँ इन्फेक्शन हो जाए तो ये कंडीशन पेरिटोनाइटिस कहलाती है और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है इसके अलावा याद रखिएगा पैरासेंटेसिस प्रोसीजर जब भी करवाया जाता है इंसर्शन ऑफ नीडल से पहले पेशेंट को हम ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कहते हैं वॉइड करने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर क्लाइंट का ब्लैडर फुल होगा तो नीडल के निडल uh, इंसर्शन in, के समय वहां पर रपच्चर हो सकता है सो so, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पहले ब्लैडर को खाली करवाया जाता है अब बात करते हैं पैरासेंटेसिस के दौरान जो फ्लूड हम निकालते हैं उसका नॉर्मल और एबनॉर्मल कलर कैसा हो सकता है अगर मान लीजिए जो पैरासेंटेसिस के बाद फ्लूड निकला वो कलरलेस है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है अगर मान लीजिए मिल्की कलर का है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के लिफेटिक सिस्टम में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है अगर फ्लूड का कलर येलो है तो इसका मतलब है पेशेंट को लीवर डिजीज है और अगर इस फ्लूड का कलर रेडिश है तो इसका मतलब है टीबी या फिर कार्सिनोमा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉर लेवल आर अल्टर्ड इन चारों में से उस डिजीज को सेलेक्ट कीजिए जिसमें नॉर एड्रेनलिन का लेवल अल्टर हो जाता है बदल जाता है ऑप्शन ए डिप्रेशन में ऑप्शन बी सीजोफ्रेनिया में ऑप्शन सी पार्किस में या फिर ऑप्शन डी एपिलेप्सी में किस डिजीज में नॉर एड्रेनलिन का लेवल बदल जाएगा नॉर एड्रेनलिन की मात्रा बदल जाएगी द राइट आंसर is ऑप्शन ए डिप्रेशन डिजीज के अंदर डिप्रेशन कंडीशन के अंदर नॉर एड्रीन का लेवल अल्टर होता है अकॉर्डिंग बायोकेमिकल थ्योरी द कॉज ऑफ डिप्रेशन इज डेफिशंसी ऑफ सम न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक नॉर एपिनेफ्रेन सिरोटोन डोपामिन एट फंक्शनली इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द ब्रेन अगर हम बायोकेमिकल थ्योरी जो कि डिप्रेशन के लिए दी गई थी उसके बिहाब पर देखें तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरो जैसे नॉर एपिनेफ्रिन सीरोटोनिन और डोपामिन की कमी के कारण डिप्रेशन होता है अमंग दीज नॉर एडनोलिन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज इट डील्स विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं तब नॉर एड्रेनेलिन का सिक्रेशन हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालता है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ब्रांच प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स। हम आपको बताना है न्यूरॉन में जो ये ब्रांच प्रोसेस होते हैं ये वाले इन्हें आप क्या कहेंगे दीज ब्रांच प्रोसेस आर नोन एज ऑप्शन ए एग्जॉन ऑप्शन बी माइलिन शीट ऑप्शन सी डेंड्रॉइड्स ऑप्शन डी साइनेप्स। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी डेंड्रॉइड्स ये जो ब्रांच प्रोसेस आप देख रहे हैं ये डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं और ये जो आप लंबी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक्जोन कहलाती है साइनेप्स जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है जबकि माइली जो है एक्सॉन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आंसर आपको बताना था कि पॉली का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है तो ये है यूरिन आउटपुट मोर देन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉलीमींस ज्यादा यूरिन का आउटपुट होना पॉली में अगर पेशेंट में पर्सन में 2,500 हजार से ज्यादा प्रतिदिन यूरिन का आउटपुट होता है और नॉर्मल यदि यूरिन आउटपुट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1,500 हंड्रेड एम एल पंद्रह या डेढ़ लीटर कह सकते हैं आप इसे क्वेश्चन नंबर 18 द आइडल एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ नेडल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन किसी क्लाइंट में आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते समय जो निडिल है वो कितने डिग्री से इंसर्ट करेंगे टेन डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री या फिर सिक्सटी डिग्री द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दस डिग्री के एंगल से दस से पंद्रह डिग्री के एंगल से हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते समय निडल इंसर्ट कर सकते हैं इंट्राडर्मल रूट का इस्तेमाल हम जनरली ड्रग की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए एस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा बी वैक्सीन भी इसी रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है थर्टी डिग्री का का इस्तेमाल हम आईवी इंजेक्शन के इंसर्शन में कर सकते हैं फोर्टी फाइव डिग्री से हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं और नाइन्टी डिग्री से आईएम इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द जेड ट्रैक टेक्निक ऑफ़ इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन इज यूज टू आई एम इंजेक्शन लगाने की जो जेड ट्रैक टेक्निक है उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए अवॉइड नर्व एंड वेन्स इन द पाथ नर्व और वेन को हटाने के लिए रिड्यूस बैकवर्ड लीकेज ऑफ ड्रग ड्रग वापस बाहर ना आ जाए इस चीज़ को रोकने के लिए रिड्यूस पेन ऑफ इंजेक्शन इंजेक्शन का दर्द कम हो इसलिए रिड्यूस ब्लीडिंग एंड हीमेटोमा ब्लीडिंग और हीटोमा फॉर्मेशन को रोकने के लिए बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में जेड ट्रैक टेक्निक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रिड्यूस बैकवर्ड लीकेज ऑफ द ड्रग याद रखिएगा ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल मुख्य रूप से ड्रग के बैकवर्ड लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है ट्रैक टेक्निक के द्वारा हम उन मेडिकेशंस को मोस्टली इंसर्ट करते हैं जो कि इरिटेशन कॉज कर सकती हैं या फिर जिनमें टिश्यू स्ट्रेनिंग का डर रहता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट प्री टर्म लेबर के डायग्नोसिस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ऑप्शन ए रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद पेन ऑप्शन बी रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट पेन ऑप्शन सी डायलेशन मोर और इक्वल टू टू सेंटीमीटर ऑप्शन डी लेंथ ऑफ सर्वेक्स मोर देन 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स प्री लेबर को आप किस फाइंडिंग के बिहाफ पर डायग्नोसिस नहीं कर सकते द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लेंथ ऑफ सर्विक्स मोर देन 2.5 पॉइंट फाइव गौर कीजिएगा जब भी लेबर प्रोसेस होता है तो इफेसमेंट एक टर्म यूज की जाती है उसमें जो यूट्रस की नेक पार्ट है यानी सर्विक्स जो है वो शॉर्ट होता है शॉर्ट uh, होता है थिक होता है और उसका जो साइज है वो टू पॉइंट फोर से कम हो जाता है सो दिस इज द रॉन्ग थिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट ही आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हें डिस्कस कर लेते हैं प्री टर्म लेबर में प्री टर्म लेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम और क्या चीजें देख सकते हैं रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन विथ और विदाउट पेन प्री टर्म लेबर केस में जो कॉन्ट्रैक्शन uh, uh, आएंगे वो पेनफुल भी हो सकते हैं और विदाउट विदाउट पेन भी हो सकते हैं डायलेशन ऑफ सर्विक्स मोर देन और इक्वल टू टू सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन dil जो है दो सेंटीमीटर या इससे अधिक होगा एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स जो होगा वो लगभग एट्टी परसेंट होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंथ ऑफ सर्विक्स जो है वो ढाई सेंटीमीटर से कम होगी ढाई सेंटीमीटर या इससे कम होगी लेंथ ऑफ सर्विक्स एट द टाइम ऑफ लेबर आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले लें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द पर्पज ऑफ ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ऑक्सीजन थेरेपी इज दैट ऑक्सीजन इज जब हम किसी पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं तो उसे ह्यूमिडिफाई क्यों करते हैं ऑप्शन ए हॉट एयर एंड इट मे बर्न ट्रेकिया जो ऑक्सीजन होती है वो गर्म होती है और ट्रेकिया को जला सकती है ऑप्शन बी इजीली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आई इन टू एट ह्यूमिडिफाई करने के बाद ऑक्सीजन जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है ऑप्शन सी क्लीनड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन ऑक्सीजन में मौजूद पैथोजेंस जो हैं हट जाते हैं ऑप्शन डी अ ड्राई गैस में थिकन्स द म्यूकस जो ड्राई गैस है वो म्यूकस uh, को थिक बना सकती है इसे बचाने के लिए हम ह्यूमिडिफाई करते हैं कौन सा रीजन सबसे सही माना जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है और एज अ नर्स आपको इसका रीजन पता होना भी चाहिए कि ऑक्सीजन को हम क्यों ह्यूमिडिफाई करके देते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अ ड्राई गैस में थिकन्स द म्यूकस याद रखिएगा अगर आप पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं वो भी बिना ह्यूमिडिफाई किए यानी बिना उसे नम किए तो ऐसे में जो पेशेंट के सिक्युशंस हैं म्यूकस हैं वो हार्ड हो जाएंगे थिक हो जाएंगे और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है सो so, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम जो एयर है उसमें उसे ह्यूमिडिफाई करके देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन आपको बताना है एन्यूरिया एन्यूरिया क्या होता है एन्यूरिया शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आपको बताना है द राइट आंसर इज लेस देन हंड्रेड एम एल पर डे अगर किसी पर्सन में यूरिन आउटपुट हंड्रेड एम एल पर डे से कम है हंड्रेड एम एल पर डे से कम है तो ये कंडीशन एन्यूरिया कहलाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एच आई वी कंटेमिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी डी कंटेमिनेटेड बाय एच आई वी पेशेंट से के द्वारा कंटेमिनेटेड किए गए प्रोडक्ट को हम किस के द्वारा डी कंटेमिनेट कर सकते हैं फॉर्मेल्टी के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा ग्लूट्रलिडी के द्वारा या फिर सभी के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी याद रखिएगा एच के कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स को फॉर्मेल सोडियम हाइपोक्लोलाइ हाइपोक्लोराइड और ग्लूट्रेल इन तीनों के द्वारा ही डी किया जा सकता है ऑप्शन डी करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोमोशन ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस इज एनकम्पास्ट अलॉन्ग विद द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अप टू इसमें आपको बताना है कि इन्फेंट में या यंग चाइल्ड को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक करवा सकते हैं एक साल तक दो साल तक तीन साल तक चार साल तक द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू ईर्स ऑफ लाइफ याद रखिएगा जब भी हम बच्चा जन्म लेता है तो उसे जितना जल्दी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू करवा देना चाहिए उसके बाद अप टू सिक्स मंथ्स तक अप टू सिक्स मंथ्स तक उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए सिक्स मंथ्स के बाद उसे कुछ और सब्सटेंस ब्रेस्ट मिल्क के साथ देना शुरू कर देना चाहिए इस प्रोसेस को हम वीनिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं और लगभग दो साल तक टू इयर्स की एज तक हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना छुड़वा देते हैं और सिर्फ और सिर्फ दूसरे सब्सटेंस देने लगते हैं सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स थ्रोमोफ्लेबाइटिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोविंग वेस्क्यूलर सर्जरी विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट दैट अ पॉसिबल थ्रोम्बस हैज़ अकर्ड किसी क्लाइंट में वेस्क्यूलार सर्जरी के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखा जाता है किस साइन की प्रेजेंस ये बताती है कि पेशेंट में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है ऑप्शन ए कर्निंग साइन ऑप्शन बी हैगर्स साइन ऑप्शन सी होमान साइन ऑप्शन डी ब्रिजेंस की साइन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी होमान साइन याद रखिएगा थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस कह दीजिए या दीप वेन थ्रोम्बोसिस कह दीजिए इसमें होमान साइन पॉजिटिव होता है ऑप्शन सी करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट फीमेल यूरिथ्रा फीमेल यूरिथ्रा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ऑप्शन ए इट इज़ फोर सेंटीमीटर लॉन्ग ऑप्शन बी इट इज़ शॉर्टर देन मेल यूरेथ्रा ऑप्शन सी पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफेस ऑप्शन डी इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेट्राइजेशन कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल यूरेथ्रा राइट आंसर right is ऑप्शन सी जो यूरिथ्रा होता है वो वेजाइनल ऑरिफिस से एंटीरियर होता है दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फीमेल यूरिथ्रा जो है फोर सेंटीमीटर्स का होता है बिल्कुल सही है ये मेल यूरिथ्रा से शॉर्ट होता है बिल्कुल सही है मेल यूरिथ्रा अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी सेंटीमीटर्स के अराउंड होता है और फीमेल्स में शॉर्ट यूरित्रा लेंथ की वजह से ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है तो आप बताएंगे ई e. कोलाई इसके अलावा जब हम फीमेल में कैथेटराइजेशन करते हैं तो वहाँ पर माइनर रेसिस्टेंस फील होता है ये भी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया ईयर का इन्फेक्शन है ओटाइटिस मीडिया इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है ऑप्शन ए एक्यूट एंड क्रॉनिक मेस्टोटाइटिस ऑप्शन बी इिवर्सिबल हियरिंग लॉस ऑप्शन सी इन्फेक्शन ऑप्शन डी इंटरनल इंजरी इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है ओटाइटिस मीडिया का कॉम्प्लिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक्यूट एंड क्रॉनिक मैस्टोडाइटिस इज अ क्रॉनिक इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया ओटाइटिस मीडिया इज अ इंफेक्शन ऑफ मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्ट्रॉइड साइनस यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्रॉनिकोटाइटिस मीडिया कॉल्ड मेस्टोडाइटिस। मैस्टोडाइटिस क्रॉनिकोटाइटिस मीडिया की वजह से मैस्टॉइड साइनस में इंफ्लामेशन का होना मेस्टोडाइटिस कहलाता है मैस्ट्रॉइड साइनिस आर द एयर फिल्ड स्पेस इन टू द मेस्ट्रॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन टेम्पोरल बोन में एयरफिल्ड स्पेस के रूप में मैस्टोइड साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं मैस्टोइड प्रोसेस इज अ पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड बिहाइंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पेशेंट विथ मेनिया आर हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट मेनिया के पेशेंट में कौन सा सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा ऑप्शन ए इलेटेड एंड अनस्टेबल मूड स्लगिश एंड फैटिक इंक्रीज प्रेशर ऑफ स्पीच इंक्रीज मोटार एक्टिविटी द राइट आंसर इज ऑप्शन बी याद रखिएगा मेनिया का एपिसोड जब भी आता है पेशेंट को तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है मैनिया जो है मूड डिसऑर्डर का टाइप है पेशेंट मेनिया के पेशेंट में मूड जो है हमेशा इलेटेड रहता है यानी उत्साह देखा जाता है और अनस्टेबल होता है इसके अलावा उसकी जो स्पीच साउंड है वो भी इंक्रीज्ड रहती है और उसकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है नेक्स्ट टर्म है ऑलिग यूरिया को डिफाइन करना है आपको व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑलिग कंडीशन द राइट आंसर इज इन अडल्ट इन अडल्ट लेस देन 400 एमएल पर डे यूरिन आउटपुट और लेस देन 30 एमएल पर आवर इज नोन एज ऑलिग गौर कीजिएगा अगर किसी अडल्ट पर्सन में थर्टी एम एल पर आर से यूरिन आउटपुट आ रहा है या फोर हंड्रेड एम एल पर डे से कम यूरिन आउटपुट हो रहा है तो ये कंडीशन ओलिग यूरिया कहलाती है ओलिग यूरिया सबसे पहले हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था ूरिया जिसमें यूरिन आउटपुट जो था वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा था फिर हमने डिस्कस कर किया एन्यूरिया जिसमें हंड्रेड एम से कम था और अब बात कर रहे हैं ऑलिग यूरिया जिसमें फोर हंड्रेड एम पर डे से कम है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेसिक बट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट फ्रेंड्स आप चाहें तो हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक टैलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर हम फॉर नर्सिस प्रिपरेशन नाम से अवेलेबल हैं थैंक यू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन नॉम्स इन सोशोलॉजी इंडिकेट सोशियोलॉजी में नॉम शब्द का क्या मीनिंग है एथिकल आइडियाज ऑफ सोसाइटी टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मूव अप नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल बिहेवियर स्टैंडर्डाइज जाइजेशन अबाउट द नॉर्मली एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी स्टैंड जनरलाइजेशन अबाउट नॉर्मली एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम किसे इंक्लूड करते हैं मैसेज मैसेंजर चैनल कम्युनिकेटर एनवायरमेंट फीडबैक कम्युनिकेटर मैसेज चैनल रिसीवर फीडबैक या फिर कम्युनिकेटर रिसीवर फीडबैक कम्युनिकेशन से यह क्वेश्चन प्रीवियसली कई बार पूछा गया है द राइट आंसर इज ऑप्शन सी याद रखिएगा कम्युनिकेटर मैसेज चैनल रिसीवर फीडबैक ये पांचों ही कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाने जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग लंच वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड एक पेशेंट जिसे बाईपोलार डिसऑर्डर है और उसे अभी मैनिक एपिसोड आ रहे हैं तो इस पेशेंट के लिए कौन सा लंच परफेक्ट रहेगा बाइपोलार डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को कुछ समय के लिए डिप्रेशन एपिसोड्स में रहते रहता है कुछ समय मैनिया के एपिसोड्स आते हैं डिप्रेशन में पेशेंट बिल्कुल आइसोलेटेड शांत रहता है जबकि मेनिया के एपिसोड्स के दौरान पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है तो इस दौरान जब पेशेंट मैनिक एपिसोड्स को फेस कर रहा है इसके लिए कौन सा लंच बेस्ट रहेगा ऑप्शन ए वेजिटेबल सूप एंड टी ऑप्शन बी राइस एंड बीन्स कस्टर्ड एंड कार्बोनेटेड वाटर ऑप्शन सी चीज सैंडविच बनाना एंड मिल्कशेक ऑप्शन डी बीफ स्टो पी एंड मिल्क द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चीज सैंडविच बनाना मिल्क शेक गौर कीजिएगा जब भी पेशेंट मेनिया की फेज में होता है यानी हाइपर एक्टिव एपिसोड फेस कर रहा होता है तब ये पेशेंट एक जगह पर बिल्कुल नहीं बैठता और बैठकर खाना खा नहीं सकता तो इसे कुछ ऐसा सब्सटेंस देना चाहिए जो कि इसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करे प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करे और इजीली पेशेंट उसे घूमता फिरता खा खा सके यानी हेल्डेड फिंगर फूड्स देने चाहिए और इसमें सैंडविच और मिल्क शेक आदि परफेक्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ज टू यूरिनेट अकर्स किसी भी पर्सन को यूरिन करना है इसकी अर्ज कब उत्पन्न होती है कितना एम एल यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आने पर यूरिन पास करने की इच्छा होती है अर्ज होती है द राइट आंसर इज वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड एम एल हमारा जो ब्लैडर है उसमें लगभग 500 सौ यूरिन फुल हो सकता है स्टोर हो सकता है और जब इसके अंदर 150 से 200 हंड्रेड यूरिन स्टोर रहता आ जाता है तो पेशेंट को यूरिन करने की इच्छा होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू असेस इन अ मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट किसी वुमेन को एम दिया जा रहा है तो इस वुमेन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन असेसमेंट के लिए क्या होगा ऑप्शन ए लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स, डाइफोरस रेस्पिरेटरी रेट लेस देन सिक्सटीन या फिर फ्लशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये एम जी एस ओ फोर यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एम जी एस ओ फोर देने के बाद हम इस वुमेन में पटेलर रिफ्लेक्स है या नहीं इस चीज़ का असेसमेंट प्रायोरिटी से करते हैं आइए इसके बारे में और जान लें एडवर्स रिएक्शन टू मैग्नीशियम सल्फेट इंक्लूड डायफोरेसिस फ्लशिंग डिक्रीज रेस्पिरेशन एम देने के बाद वुमेन को डाइफोरेसिस हो सकता है फ्लशिंग हो सकता है डिक्रीज रेस्पिरेशन हो सकता है लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इंक्लूडिंग द पटेलर रिफ्लेक्स, इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग टॉक्सिसिटी एंड द प्रायोरिटी असेसमेंट अगर एम देने के बाद वुमेन में पटेलर रिफ्लेक्स कम हो रहा है या यूँ कहें कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस वुमेन को एम फोर की टॉक्सिसिटी हो रही है इसमें इस वुमेन इस को इसकी नेक्स्ट डोज नहीं देनी है या फिर फिजिशियन से बात करके डोज को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है याद रखिएगा प्री से वुमेन एक्लेम्पिया में ना कन्वर्ट हो जाए इस चीज में सीजर्स की प्रिवेंशन के लिए एमजीएसओ फोर दिया जाता है आइए अब जान लेते हैं यहां पर जो पटेलर रिफ्लेक्स दिया गया है नीजक रिफ्लेक्स दिया गया है यह एग्जैक्टली exactly क्या है नीज रिफ्लेक्स जिसे हम पटेलर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं इट इज सडन किकिंग मूवमेंट ऑफ अ लोअर लेग इन रेस्पॉन्स टू शार्प टैप ऑन द पटेलर टेंडन विच लाइज जस्ट बिलो द नी कैप हमारा जो नी कैप है पटेला बोन है हमारा जो घुटने में स्थित ये कटोरी है इसके जस्ट नीचे स्थित जो आ, इसके जस्ट नीचे स्थित जो पटेला टेंडन होता है इस जगह पर आप पेशेंट के टच करेंगे टैप करेंगे तो पेशेंट का जो लोअर लेग है ये अपर साइड में मूवमेंट करेगा इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं मान लीजिए ये पेशेंट है ये पेशेंट इस प्रकार से पैर को नीचे लटका कर बैठा है आपने परक्यूशन हैमर लिया और इस पेशेंट के घुटने के नीचे एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ मान लीजिए ये पेशेंट का लेग है और ये पेशेंट का की पटेला बोन है इस पटेला बोन के जस्ट नीचे इस जगह पर मौजूद पटेलर टेंडन पर आपने परक्यूशन हैमर की मदद से हिट किया जैसे ही यहां पर आप टैप करेंगे हिट करेंगे मारेंगे तो पेशेंट का जो ये पैर है ये ऊपर की तरफ हल्का सा उठेगा मूव करेगा यही मूवमेंट नीजक रिफ्लेक्स या पटेलर रिफ्लेक्स के नाम से जानी जाती है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाइटॉट स्पो स्पॉट्स आर ड्यू टू डेफिशेंसी ऑफ बाइटॉट स्पॉट्स जो हैं किसकी कमी से होते हैं विटामिन बी विटामिन ए विटामिन डी या फिर कार्बोहाइड्रेट्स राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ई की कमी के कारण हमारी आइस के व्हाइट पार्ट पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं इन्हें ही हम बाइटॉट स्पॉट्स के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ डेथ्स पर वन थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर इज गिवेन कम्युनिटी इज नोन एज किसी एक हज़ार की आबादी में एक साल में कितनी डेथ्स हुई हैं इसे आप क्या कहेंगे ऑप्शन ए क्रूड क्रूड डेथ रेट ऑप्शन बी इन्फेंट डेथ रेट ऑप्शन सी नियोनेटल डेथ रेट ऑप्शन डी पेरीनेटल डेथ रेट राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज कॉल्ड क्रूड डेथ रेट किसी एक हजार की आबादी पर एक साल में कितनी डेथ हुई ये क्रूड डेथ रेट कहलाता है ऑप्शन ए करेक्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अ प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन द लेबर रूम इज अटैच्ड टू अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर नर्स शुड नर्स शुड डू एन इनिशियल नर्सिंग असमेंट ऑफ द फॉलोइंग किसी प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर रूम में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर से अटैच किया गया है इस अटैचमेंट के बाद सबसे पहले नर्स को किस चीज़ का असेसमेंट करना चाहिए ऑप्शन ए आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ एक्सलरेशन ऑप्शन बी असेसिंग बेस फीटल हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन सी डिटरमाइनिंग इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर कनेक्ट करने के बाद क्या सबसे पहले चेक करना जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यहां पर हम फीटल रेट कॉन्ट्रैक्शन के समय कितनी है इसे सबसे पहले चेक करेंगे याद रखिएगा लेबर के दौरान फीटल रेट की मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है फीटल की रेट यदि नॉर्मल है तो माना जाता है कि बच्चा ठीक है लेकिन अगर फीटल रेट किसी भी प्रकार की एबनॉमिलिटी देखने को मिलती है तो इसका मतलब है फीटस डिस्ट्रेस में है क्वेश्चन थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड वेन यूजिंग जेड ट्रैक मैथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन आप किसी क्लाइंट में जेड ट्रैक मैथड के द्वारा ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसमें इस, इस समय कौन सा एक्शन नहीं किया जाना चाहिए ऑप्शन ए डिस्प्लेस स्किन लेटरली वन टू वन फाइव वन पॉइंट फाइव इंचज फ्रॉम इंजेक्शन साइट हम इंजेक्शन लगाने से पहले साइट इंजेक्शन साइट से मसल्स को साइड में खींचेंगे ऑप्शन बी यूज़ ऑफ निडल दैट एटलीस्ट वन इंच लॉन्ग इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए एक इंच लंबी निडल यूज़ करेंगे ऑप्शन सी विड्रॉ निडल वाइल अप्लाइंग एल्कोहल स्वाब डायरेक्टली ओवर द साइड हम एल्कोहल स्वाब को निडिल विड्रॉ करते समय अप्लाई कर देंगे या फिर ऑप्शन डी रब द साइड वाइग्रसली आफ्टर इंजेक्शन टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन हम इंजेक्शन लगाने के बाद इस साइट पर लगातार मसाज करेंगे तेजी से मसाज करेंगे ताकि जो ड्रग का एबजॉपन है वो बेहतर हो सके आपको बताना है जेड ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते समय कौन सा इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हमेशा याद रखिएगा जेड ट्रैक टेक्निक से इंजेक्शन लगाने के बाद कभी भी इंजेक्शन साइट पर मसाज नहीं करेंगे ये गलत इंटरवेंशन माना जाता है टिश्यूज़ को डिस्प्लेस किया जाता है फिर इंजेक्शन निकालने के बाद छोड़ देते हैं ताकि ड्रग का विड्रॉ नहीं हो पाए इसके अलावा वन इंच लॉन्ग निडिल इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन में मसल्स के डीप डीप मसल्स में मेडिसिन को पहुंचाना होता है और जब भी हम निडल विदड्रॉ करते हैं तो उस समय स्वाब लगाया जाता है ये सभी सही इंटरवेंशंस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन अकर्स वैन द ब्लैडर हैव हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में डेढ़ सौ से दो सौ यूरिन आ जाए तो पेशेंट को यूरिन पास करने की अर्ज होती है इच्छा होती है अब ब्लैडर में कितना यूरिन आ जाए कि पेशेंट को अब तो यूरिन पास करना ही पड़ेगा अर्जेंसी फील होने लग जाएगी द राइट आंसर इज 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एम ऑफ यूरिन याद रखिएगा पांच सौ से छह सौ यूरिन होने पर पेशेंट को यूरिन पास करने की अर्ज होने लगती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ एच आई वी एच आई वी को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है वाइट ब्लड सेल काउंट एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट द राइट आंसर इज ऑप्शन सी याद रखिएगा सबसे बेस्ट माना जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट को मानेंगे इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एच सो एवरीवन ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Best of luck!